नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज के हमारी इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं दिल्ली का जंतर मंतर, जहां जी ये वही जंतर मंतर है जहां सभी लोग धरना प्रदर्शन करने आते हैं। जय जवान और जय किसान, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डियां हैं। लेकिन आज क्या हालात है इनकी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं, किसान मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहले भी करके जा चुके हैं। जिस तरह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी समय से किसानों की स्थिति ठीक नहीं है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार विभिन्न तरह के वादे करती है, सभी गवर्नमेंट आती है सत्ता में, लेकिन किसानों का कोई हल नहीं निकाल पाता और किसान उसी स्थिति में जीवन जीते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये लोग किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंकाल रखे हुए हैं किसानों के आगे, और जो पहले धरना प्रदर्शन किया था उसमें भी इनकी काफ़ी जो था बहुत भयानक धरना प्रदर्शन था, उसमें उन्होंने को मजबूरन मल खाना पड़ा था और मूत्र पीना पड़ा था। ये सारी चीज़ें आप पिछले वाले इनके धरने प्रदर्शन में थी। तो आज भी ये धरना प्रदर्शन दोबारा से इनका स्टार्ट हो चुका है। कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए और क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नौबत आ गई इनको दोबारा धरना प्रदर्शन करने की, ये सारी बातें हम ये जानेंगे यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं उनके लिए कि उनको पूरा किया जाए। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग, तो हमारे साथ एक ट्रांसलेटर हैं, तो हम बात करते हैं। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे, कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप और क्यों? अभी நீங்க இத்தனை நாள் நீங்க வந்திருக்கீங்க, ஏன் பண்றீங்க, இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது? On March 14th we came here. The central minister Pondrada Kishan, our state Tamil Nadu chief minister also came here and they promised we will not collect the loan from the farmers. We will not harass the farmers. We will not sell the jewels pledged in the banks. And we will not sell the land of the farmer. They demanded 2 months' time. So we conduct agitation March 13th, 14th to April 23rd. April 23rd we went to Tamil Nadu. But there all banks, nationalized bank, sold our jewels. And they are trying to sell our lands. They have filed thousands of cases in the court for recovery of farmers loan. Farmers loan. कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते? तो ये 42 दिन का आ गया। निगे इतना लिंग करेंगे? इप्पे इतना लायर कब निगे करा? इप्पे 7 days. इप्पे भी पार द फर्स्ट 7 days we are here. We will be here till our goal is achieved. Because heavy drought in Tamil Nadu, no water in the wells, no water in the rivers, there is nothing in Tamil Nadu, all coconut trees are withered, all mango trees, most of the mango trees withered, we have not cultivated. The Tamil Nadu government demanded 21,708 crores from the central government compensation, not even a paisa was given by the Modi ji. इस धरने प्रदर्शन में आप देख रहे हैं गले में कंकाल टांग के ये किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कुछ, इनसे जानते हैं कंकाल क्यों टांगे हुए इन्होंने और जिस तरह से पहले भी इन्होंने मल पीने पर मजबूर हो गए थे और काफ़ी इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत की जिसे देखकर सभी लोगों को शर्म आई थी, पूरा देश संसार हो गया था उस वक्त। तो आज भी हम जानते हैं कि ये कंकाल हैं, ये क्यों टांगे हुए हैं, आपने क्यों ये कंकाल टांगे हुए? फॉर द पास्ट 2 years ए हेवी ड्रॉट इन तमिलनाडु, सो नियरली 400 फार्मर्स डाइड because of the heavy drought, they become suicide. So these were skulls of suicide farmers. यहाँ पर धरने प्रदर्शन में महिला भी हैं, एक जिनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उनके पति जो थे वो किसान थे, वो डाइड हो गए, उसके बाद जो बैंक में थे उनके पैसे उसको लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं किसान, वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है महिला के साथ, उनसे जानते हैं क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। सी रानी का हस्बैंड राधाकृष्णन, they borrowed loan of 80,000 rupees from Indian Overseas Bank Kolakudi near Trichy, and the manager and all gundas has come to her house and scolded, so you are eating food or human waste, why you are wearing sari, why you are wearing dhotis. So her husband got irritated, immediately he consumed poison and died. Immediately she reported to Indian Overseas Bank and she repaid the amount of 80,000 also, and her relatives asked manager, so we are giving your 80,000 rupees, so can you give the life of her husband? So immediately they make a phone to police station,
they arrested and the Rani and her relative, and they put into jail for 10 days. Her husband body was in the house. She is in the jail. This is the arrogant policy of the police. And even today I am telling Delhi, if you want to see in the arrogant police, if you will go 5% from this place, here we are remanded. So we cannot move from this place to another place. Even drinking here, there is no water, no toilet. So full of sewage borders outside. Yesterday we agitated, that is the reason today they removed. And this is the police arrogancy. Central government are not bothering, and state government is also not bothering. And the state people are coming. They are seeing the Prime Minister and President. They never come to us so far. So nowadays, no, all BJP people are threatening our leader, one Mr. Ayyakanu. You see, if you are not withdraw this strike, and we will do whatever we like. Gundas will come. This person will come. Police ne bhi inke saath koi sahmati nahi dikhai. Police ne bhi durvyavahar kiya inke saath. No, police arrested a case. No, she has given a case against bank, and the bank also given a case. Yeah. Okay. So they arrested her and put into jail. She paid a loan. She cleared the loan. But what is the... 10 days of jail in that jail. Jail, 10 days she was in the jail. So therefore yesterday, she got two sons. The two sons, instead of cow and buffalo, taken by the bank. So two sons, you see, have you seen this one? The blowing material, no? The two sons were pulling. Because we don't have bullock, we don't have animal. And both are pulling. She is blowing the land. So this is the situation, and if 1 or 2 years it will continue in Tamil Nadu, there is no doubt it will become desert. And one for information, no rain for 2 years continuously, no water in any place, drinking water itself, it is the problem. This is the... आप देख रहे हैं किस तरह से किसी की डेथ हो जाती है, एक महिला के हस्बैंड की जो किसान हैं, उसके बाद वह अपने पैसा लेने के लिए बैंक में जाती हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। बैंक के अधिकारी मैनेजर वो तो कर ही रहे हैं साथ में दुर्व्यवहार, साथ ही पुलिस ने भी उनके साथ इतना अत्याचार किया कि वे 10 दिन जेल में रहीं, और साथ ही उनके जो डेड बॉडी है वो भी घर में रही। ये सारी प्रॉब्लम जो थी वो इनके साथ थी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को आ रही है पानी की समस्या। 2 साल तक कंटिन्यू बारिश ना होना, बिल्कुल तमिलनाडु से पानी चले जाना, इन किसानों के लिए बहुत ही बेहदा दुखद समय जो है इस समय तमिलनाडु के अंदर बिताना पड़ रहा है, इसलिए आज ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी परेशानियाँ आप देख सकते हैं, इसके साथ ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा लगातार ये लोग, लेकिन किसी ने अभी तक इनकी सूद नहीं ली है। देखते हैं कब तक इनके साथ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये देश के किसान हैं और इस तरह ही जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, ANTV।